नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त की ओर से एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पे आपको हमेशा नए नए न्यूज़ अपडेट्स, क्वाइन एनालिसिस और ट्यूटोरियल्स देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की ओर। पोलोनिएक्स जो दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसे एक्वायर कर लिया गया है। तो सर्कल नाम के यूएस बेस्ड मोबाइल पेमेंट्स ऐप ने पोलोनिएक्स को $400 मिलियन में एक्वायर किया है। तो ये देखिए न्यूज़ है क्वाइन टेलीग्राफ पे। मल्टी करेंसी मनी सेंडिंग ऐप सर्कल इज अनाउंस्ड टुडे February 26th दैट दे हैव अक्वायर्ड मेजर यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पोलोनिएक्स फॉर $400 मिलियन। तो काफी एक बड़ा अमाउंट है और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्विजिशन और मेनस्ट्रीम एक्विजिशन, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेनस्ट्रीम एक्विजिशन में यह काउंट होगा। तो बढ़िया बात है। और भी इंटरेस्टिंग खबर यह है कि गोल्डमैन सैक्स जो है उसने सर्कल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो एक तरीके से गोल्डमैन सैक्स की एक बैक कंपनी ने जो है एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को एक्वायर किया, तो बड़ी बात है। और पोलोनिएक्स बड़ा इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में आता है। ये देखिए करंटली द 14th लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज में 24-hour वॉल्यूम और वहां पे डेली जो है $140 मिलियन वर्थ की ट्रेडिंग होती है। तो काफी बढ़िया बात है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का जो माइंडसेट है क्रिप्टो करेंसी की तरफ, वो अभी भी उसे वो बिजनेस रिस्क के रूप में देखते हैं। तो ये देखिए गोल्डमैन सैक्स ने कहा है, वी मे और मे बिकम एक्सपोज टू रिस्क रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी थ्रू आर फैसिलिटेशन ऑफ क्लाइंट्स एक्टिविटीज आर इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज दैट सीक टू डेवलप प्लेटफॉर्म्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बाय थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो उनके क्लाइंट्स की वजह से, उस जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया उस वजह से और थर्ड पार्टी वेंडर्स की वजह से गोल्डमैन सैक्स जो है वो बोल ऐसा कह रहे हैं कि वो एक्सपोज हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के रिस्क को लेकर। तो गोल्डमैन सैक्स तो जाहिर सी बात है अभी भी उसे एक बिजनेस रिस्क के रूप में देख रहा है। आगे जा सके हो सकता है ये स्टैंड चेंज हो जाए जब क्रिप्टो करेंसी और मेन स्ट्रीम में आएगा, लेकिन अब सर्कल के एक्विजिशन से डेफिनेटली मुझे लगता है इस चीज़ को बढ़ावा जरूर मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसी और मेन स्ट्रीम में आए। सर्कल को भी इस चीज़ का फायदा होगा क्योंकि हो सकता है वो उसे एक पेमेंट्स के रूप में वो कंसिडर करे क्रिप्टो करेंसीज को। पोलोनिएक्स को ऑब्वियसली फायदा होगा क्योंकि सर्कल जो है एक बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम कंपनी है। तो एज अ होल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो न्यूज़ ये सामने आया है कि बुलिश ब्रेकआउट कन्फर्म्ड नहीं हो, तो प्राइसेस लुक सेट टू टेस्ट $169 के ऊपर, थोड़ा सा $169.5। तो कॉइन डेस्क ने ये ट्वीट किया था कि बुलिश ब्रेकआउट वाला टेक्निकल एनालिसिस करके उन्होंने ये कहा है कि बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अभी यूएस में शायद बाइंग चालू होगी। मैंने आज सुबह इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों, तो ये जरूर देखिएगा। मैंने इसमें एक फैक्टर्स एग्जामिन किया कि वाई इज नियो कॉइन प्राइस राइजिंग अपवर्ड्स, शुड इंडियन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स बाय नियो नाउ। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है कि नियो कॉइन का जो प्राइस है वो क्यों ऊपर जा रहा है। बेसिकली दो फैक्टर्स है, एक ऑन्टोलॉजी का एयर ड्रॉप है और दूसरा जो वाइस रेटिंग्स ने उसे A- का रेटिंग दिया है। तो इन दो फैक्टर्स को मैंने इस वीडियो में बताया है थोड़ा डिटेल में, इस वीडियो को प्लीज देखिएगा, इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूंगा। तीसरी जो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है वो है इसराइल से, और इसराइल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बैंक को प्रोहिबिट किया है जो क्रिप्टो एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करे। तो आई होप ये इंडियन बैंक्स भी इससे कुछ सीखे। अभी पीछे निश्चल शेट्टी जी ने भी ये ट्वीट किया था कि इंडियन बैंक्स को भी इसे सीखना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है दोस्तों कि पैसा जो है बैंक में वो हमारा पैसा है, तो बैंक्स कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इसराइल के बैंक्स को कि आप क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिया है, इन डिसेंबर ऑफ लास्ट ईयर लूमी बैंक आल्सो बिगैन ब्लॉकिंग कस्टमर पेमेंट्स टू बीटीसी एक्सचेंजेस साइटिंग द इसराइली लॉ अगेंस्ट गैम्बलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द बैंक ऑफ इसराइल एज द कॉज फॉर स्टॉपिंग दीज पेमेंट्स टू वेबसाइट्स दैट एग्जीक्यूट गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस। तो वहाँ पे की बैंक्स भी जो है अपने खुद के मर्जी से जो है वहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड आई होप इंडियन बैंक्स भी जो है पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी को आगे जाके अडॉप्ट करेंगे, एक्सचेंजेस में जो है डिपॉजिट्स और विड्रॉल ज़्यादा इजीली फैसिलिटेट करेंगे। एंड आई होप ये आगे जाके हमें देखने को मिले। तो आई होप ये अपडेट्स आपको अच्छे लगे दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसे वीडियोज़ बना सकूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, द क्रिप्टो दोस्त मेरा ट्विटर हैंडल है, तो आप वहाँ पर आप मुझे रीच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जो है अपना न्यूज़ वगैरह ब्रेक करता हूं, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डिटेल क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं thecryptodost@gmail.com पर। याद रखें thecryptodost@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।